दोस्तों इस ककड़ी की हमने एक तुड़ाई कर ली है और दूसरी तुड़ाई एक दो दिन में इसकी होने वाली है बाकी इसमें दो फर्टिगेशन हो गए हैं उन्नीस उन्नीस के और दो फर्टिगेशन एन पी के बारह इकसठ जीरो के हो गए हैं और फल मक्खी के लिए भी इसमें हमने एक स्प्रे इसका निकाल दिया है फल मक्खी के लिए और अभी दूसरी तुड़ाई जो है इसकी शुरू होने वाली है दोस्तों अगर आपकी ककड़ी की फसल भी इस अवस्था में आ चुकी है या उसमें फल बनने स्टार्ट हो चुके हैं तो आपको उसमें चौथा या पांचवा फर्टिगेशन अब उसमें एन पी के जीरो बावन चौतीस का निकाल देना है एन पी के जीरो बावन चौंतीस का स्प्रे या फर्टिगेशन आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं स्प्रे भी निकाल सकते हैं या ड्रिप के द्वारा उसका फर्टिगेशन भी कर सकते हैं दोस्तों इस अवस्था में अगर आप एन पी के जीरो बावन चौतीस का फर्टिगेशन आपकी ककड़ी की फसल में अगर आप करते हैं तो उससे क्या होगा आपके ककड़ी की फसल में जो बढ़वार है वो और तेज से होने लगेगी उसके जड़ों का विकास और तेजी से बढ़ने लगेगा और उसमें जो फुटाव है या ब्रांचेज है और ज्यादा निकलनी शुरू हो जाएंगी और उसमें फ्रूट सेटिंग है वो भी अच्छी बननी स्टार्ट हो जाएगी तो अगर आपकी ककड़ी या आपकी खरबूजे की क्रॉप है तो उसमें आप इस अवस्था में या फल बनने उसमें शुरू हो चुके हैं या एन पी के बारह इकसठ जीरो के टोटल फर्टिगेशन या टोटल खुराक आपने अभी तक डाल चुके हैं तो इस अवस्था में आप एन पी के जीरो बावन चौंतीस का फर्टिगेशन या स्प्रे निकाल सकते हैं जिस इससे क्या होगा कि आपके ककड़ी की फसल में अच्छी फ्रूट सेटिंग बनेगी अच्छी बढ़वार होगी अच्छी ग्रोथ होगी अच्छी ब्रांचेज निकलेगी और इसके चलते आपको अपने ककड़ी की फसल से काफी शानदार उत्पादन मिल सकता है तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में अपने कमेंट जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जय हिंद